गलती से नहीं इंतखाबी मुहिम के लिए आया हूं। अपोजिशन सेनेटर्स ने महफिल में सादिक संजरानी की ड्रामाई एंट्री, सलीम मांडवीवाला की डिनर दावत में हुकूमत के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार पहुंच गए। अपोजिशन सेनेटर्स को अपने लिए वोट देने पर मनाते रहे। गेलानी और बिलावल के आने से जरा पहले पार्टी से लौट गए। सेनेट इंतखाबात में बगावत का नतीजा, तहरीक इंसाफ ने दो अरकान सिंध असेंबली को पार्टी से निकाल दिया। जैकबाबाद से असलम अबड़ो और घोटकी से शहरियार खान की बुनियादी रुकनियत खत्म। चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब पर फंक्शनल लीग का पीटीआई की हिमायत जारी रखने का फैसला। डेप्यूटी चेयरमैन के मामले पर पीटीआई कयादत से हतमी मुशावरत आज होगी। एमक्यूएम लंदन ने शहर में टारगेट किलिंग टीमें दोबारा तश्कील दी, नाकाबले तर्दीद शवाहिद मिल गए। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने कच्चा चट्टा खोल दिया, बताया टारगेट किलिंग टीम्स को लंदन राबता कमेटी की कहकशा हैदर अमरीका से हिदायत देती रहीं। सीटीडी ने कहकशा हैदर की ऑडियो टैप भी जारी कर दी। काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 तो कंफर्म है ना। सिंध की हल्का बंदियां और बल्दियाती इंतखाबात का केस, जज ने पूछा मर्दम शुमारी के फाइनल रिजल्ट कब मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन भी तो कानून का पाबंद है, अटॉर्नी जनरल का जल्द नतायज जारी करने का बयान। सिंध हाईकोर्ट ने 31 मार्च से सेंसिस के फाइनल नतायज की रिपोर्ट मांग ली। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर एक रोज मजीद बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज होने वाले तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज आएगी। पीर को कोरोना केसेस सामने आने पर पीसीबी दफातर 3 रोज के लिए बंद किए गए थे।